पिछले वीडियो में हमने देखा कि मेडिकल नेगलिजेंस जो कि सर्जिकल एरर के तौर पर होती है, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनेस्थीसिया एरर के बारे में। एनेस्थीसिया एरर क्या होती है, क्या इसमें खतरे हैं और किन कारणों से ये होती है। तो सबसे पहले, एनेस्थीसिया एरर किसी भी सर्जरी के पहले चिकित्सक या डॉक्टर आपको बेहोश करते हैं, या किसी यदि स्पेसिफिक ऑर्गन में परफॉर्म कर रहे हों तो शून्य करते हैं। यदि एनेस्थीसिया के दौरान चिकित्सक या डॉक्टर के द्वारा कोई लापरवाही होती है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो इससे मरीज की जान को भी खतरा हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा बड़े कॉम्प्लिकेशंस उजागर हो सकते हैं। तो किन-किन कारणों से ये जानेंगे कि यह एनेस्थीसिया एरर है। सबसे पहला, गलत दवा या फिर डोज प्रॉपर ना दिया जाना। यदि डोज ज़्यादा दे दिया गया तो जान को भी खतरा हो सकता है, यदि डोज कम दिया तो मानसिक या शारीरिक क्षति सर्जरी के दौरान हो सकती है। इसके अलावा जो चिकित्सक है या डॉक्टर है उसको प्रॉपर उपकरण या संसाधन ना दिए जाना, उनके प्रशिक्षण या फिर एक्सपीरियंस में कमी होना, ये कुछ कारण हैं जो एनेस्थीसिया एरर हो सकते हैं जिनके कारण। अब आ जाते हैं कि एनेस्थीसिया एरर से क्या-क्या हो सकता है। एनेस्थीसिया एरर से मरीज की जान को भी खतरा हो सकता है, स्थायी विकलांगता या मस्तिष्क क्षति हो सकती है, या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी जिसे लकवा कहा जाता है वो भी हो सकता है, या फिर कोई गंभीर इन्फेक्शन या संक्रमण का शिकार मरीज हो सकता है। अब मान लीजिए आप किसी सर्जरी के दौरान आपके परिजन या आप एनेस्थीसिया एरर के शिकार हो गए हैं तो आपको मेडिकल नेग्लिजेंस के अंतर्गत उपचार मिल सकता है। आप नज़दीकी कानूनी सलाहकार से संपर्क करें और कानूनी सलाह लें, या फिर प्रॉस्पेक्ट लीगल के नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें या ईमेल आईडी पर मेल कर हमें सूचना दें। थैंक यू।